नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का मैं प्रशांत स्वागत करता हूं। आईपीएल 2020 के ऑरेंज कैप पर केएल राहुल का कब्जा बरकरार रहा है। केएल राहुल इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। केएल राहुल 14 मैचों की 14 पारियों में 670 रन बनाने में सफल रहे थे। इस दौरान किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान 58 चौके और 23 छक्के भी जमाए थे। राहुल ने इस सीजन में एक शतक भी जमाने का कमाल किया था। शतक के अलावा राहुल ने 5 अर्धशतक भी इस सीजन में ठोके थे। केएल राहुल को शिखर धवन से सबसे ज्यादा खतरा था, लेकिन आईपीएल 2020 के फाइनल में शिखर धवन केवल 15 रन ही बना सके, जिसके कारण केएल राहुल का ऑरेंज कैप पर कब्जा बरकरार रहा। धवन इस सीजन में 618 रन बना सके। वैसे धवन आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज बने। इन दो बल्लेबाजों के अलावा इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैदराबाद के डेविड वॉर्नर थे। वॉर्नर ने 548 रन इस सीजन में बनाए। फाइनल मैच के पहले केएल राहुल और दिल्ली के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के बीच ऑरेंज कैप को लेकर जंग चल रही थी। प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकामयाब रहने वाली पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने टूर्नामेंट के 14 मैचों में 55 की औसत से 670 रन बनाए थे। वहीं धवन के नाम 16 मैचों में 46 की औसत से 603 रन थे। ऐसे में राहुल को पछाड़ने के लिए धवन को फाइनल मुकाबले में कम से कम 68 रन बनाने थे, लेकिन धवन मुंबई के खिलाफ फाइनल मुकाबले में सिर्फ 15 रन ही बना सके। इस तरीके से ऑरेंज कैप केएल राहुल के नाम हो गए। आपको बता दें, 2020 का पर्पल कैप पर कब्जा दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कंगिसो रबाडा का रहा। दरअसल फाइनल में जसप्रीत बुमराह एक भी विकेट नहीं ले पाए, जिसके कारण अब रबाडा पर्पल कैप विनर घोषित हो गए। बुमराह ने आईपीएल 2020 में 27 विकेट लिए हैं, वहीं रबाडा ने इस सीजन में उनसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वहीं फाइनल में शानदार गेंदबाजी करने वाले ट्रेंट बोल्ट आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे गेंदबाज हैं। बोल्ट ने 25 विकेट चटकाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ फाइनल मुकाबले में बोल्ट ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।